WHO की रिपोर्ट के अनुसार कुछ समय पहले दुनिया में 25% लोग एनीमिक थे। वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 15 से 19 साल की 56% जो गर्ल्स है वो एनीमिक थी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एनीमिया का मेन रीज़न आयरन डेफिशिएंसी है। मैं विनीता भालके आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उषा निरामय पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। इसके बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर लोकेश भालके, जो कि MBBS MD मेडिसिन है और उषा निरामय हॉस्पिटल के डायरेक्टर है। तो आइए बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। तो आप हमें बताएं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मतलब इसमें देखो, जैसे कि इसके नाम में ही है कि एनीमिया, एनीमिया मतलब शरीर में खून की कमी होना, वो किसी भी कारण से हो। अब आयरन डेफिशिएंसी मतलब जब शरीर में आयरन की कमी हो जाए, तो आयरन की कमी होने के कारण अगर शरीर में खून की कमी हो रही है तो इसे हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। तो शरीर में आयरन की कमी होने के क्या कारण हैं? शरीर में आयरन की कमी होने के कारणों को हम मुख्यतः दो से तीन भागों में बांटते हैं इसे आसानी से समझने के लिए। तो जब भी शरीर में आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया, या एक छोटा बच्चा होता है शुरू के दो तीन साल तक, या जब वो अपने टीन एज में आता है, युवावस्था में आता है, तब तो ये कुछ कंडीशंस होती है जब शरीर में आयरन की या खून की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। उस समय अगर शरीर में प्रॉपर या सही अमाउंट में आयरन नहीं पहुंचता है तो शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, जिसके कारण एनीमिया हो सकता है। वहीं अगर शरीर से ब्लड लॉस हो रहा है एक लंबे समय तक, या तो आपकी माहवारी में अनियमितता है, माहवारी बहुत ज़्यादा जा रही है, या लेटरिंग के रास्ते आपको खून जा रहा है, या शरीर से कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है, तो शरीर से जब भी खून निकलता रहेगा एक लंबे समय तक तो आपको शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। वहीं अगर आप जो खाना खा रहे हैं उस खाने में ही आयरन नहीं ले रहे हैं तो आयरन की कमी हो सकती है, या आप आयरन तो आयरन रिच खाना जो आयरन रिच डाइट होती है वो ले रहे हैं पर आपकी आंतों में दिक्कत है, आपके पेट का ऑपरेशन हो चुका है, आपकी आंतों का ऑपरेशन हो चुका है, या आंतों में सूजन है, तो वो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। जी, आप हमें बताएं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के क्या लक्षण होते हैं? जैसे मैंने पहले पुराने वीडियो में भी बताया था कि एनीमिया के कुछ जनरल सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि कमजोरी होना, भूख नहीं लगना, चलने पे सांस फूलना, थकान थकान सी रहना, अगर खून की कमी बहुत ज़्यादा है तो आपको पैरों पे सूजन भी आ सकती है, सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। वहीं थोड़ा सा स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि आयरन डेफिशिएंसी में क्या मिलता है, तो आयरन डेफिशिएंसी में आपके जो नाखून होते हैं, नाखूनों का शेप थोड़ा सा चम्मच के जैसा हो जाता है। आपने चम्मच देखी होगी, चम्मच किस तरह इस तरीके से रहती है, तो जो आपके नाखून होते हैं वो भी स्पून शेप्ड हो जाते हैं, उसको कोइलोनाइकिया कहते हैं। इसके अलावा जो आपका मुंह है, मुंह के जो कोने होते हैं वो कोने फटने लग जाते हैं, जिसको एंगुलर चिलोसिस बोलते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कॉमनली मिलते हैं। हाँ, तो आप हमें बताएं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पता कैसे लगाया जा सकता है, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करें तो इसलिए हम सबसे पहले CBC कराते हैं। CBC में हम देखते हैं कि शरीर में खून की कमी है। इसके अलावा उसमें MCV, MCH भी कम मिलता है। पेरिफेरल स्मियर में हमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक टाइप का एनीमिया मिलता है। वहीं हम इनका फेरिटिन लेवल कराते हैं ब्लड में, वो देखते हैं तो वो भी काफ़ी कम रहता है। इसके अलावा हम बोन मैरो बायोप्सी कर सकते हैं, उसमें उसका स्टेन किया जा सकता है, तो उसमें भी अगर हम देखें तो उसमें भी आयरन जो स्टेनिंग होती है वो कम मिलती है। तो इस तरीके से हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पता लगा सकते हैं। अच्छा, आप हमें बताएं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का इलाज क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हम मेनली तो जो आयरन ट्रीटमेंट के लिए इसके जो देते हैं वो आयरन देते हैं। आयरन को हम दो रूप में दे सकते हैं, या तो ओरल टेबलेट्स दे सकते हैं, या हम IV इसके इंजेक्शंस भी आते हैं वो भी दे सकते हैं। ओरल टेबलेट्स का जो ट्रीटमेंट रहता है वो छः महीने से एक साल तक दिया जाता है, ताकि शरीर में एक आयरन का स्टोर भी प्रॉपर मात्रा में बना रहे। वहीं जो IV आयरन दिया जाता है, आयरन के इंजेक्शन या बॉटल लगती है, तो उसका डोज जो हम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं और उस हिसाब से उसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के मरीज़ों को आप कोई डाइटरी एडवाइस देना चाहेंगे, जिससे कि मरीज़ों को मतलब क्या खाना चाहिए? ऐसे मरीज़ जिन्हें आयरन डेफिशिएंसी है, आप चाह रहे हैं कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ना हो, तो जो आयरन रिच फूड होता है, जैसे कि खासकर जो नॉन वेजिटेरियन है वो लोग मीट ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, अंडों में होता है। इसके अलावा जो वेजिटेरियंस है
हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें आयरन होता है। इसके अलावा जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम होता है उसमें भी आयरन। इसके अलावा जो जैगरी होता है जिसे गुड़ कहते हैं, जो गांव में अधिकतर घरों में मिल जाता है, वो भी एक आयरन का अच्छा खासा सोर्स है। इसके साथ में आप विटामिन सी का भी सप्लीमेंट लें, जो आपको संतरे हो गए, नींबू हो गए, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। जी आपका धन्यवाद। आशा है आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। स्वास्थ्य संबंधी और जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल उषा निरामयम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।